आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। करें योग रहे निरोग की अंतर्गत सामाजिक संस्था द्वारा महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा आत्मिक विकास के लिए कराया गया योगाभ्यास। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के द्वारा सुंदरपुर के प्रज्ञा नगर में स्थित यशएफ पब्लिक स्कूल में क्षेत्रीय महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बीपी को नियंत्रित रखने, शुगर कम करने, सर्वाइकल पेन, घुटनों में दर्द, मोटापा, मन में बेचैनी आदि बीमारियों को दूर रखने के लिए विभिन्न प्रकार के योगासन सिखाए गए। कार्यक्रम का संचालन संस्था अध्यक्ष ममता ने किया। महिलाओं को योग के प्रति जागरूक करते हुए ममता ने बताया कि 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस योग दिवस की थीम स्वयं तथा समाज के लिए योग रखा गया है, जिसका उद्देश्य है व्यक्ति जो समाज का अभिन्न अंग है और इसी से समाज का निर्माण होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में योग को दैनिक दिनचर्या में अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के साथ ही समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने में बहुत आसानी होगी, जिससे कि हम अच्छे से समाज में विकास कर सकते हैं। संस्था के माध्यम से लगातार महिलाओं को नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए जागरूक किया जाता है। इसी के अंतर्गत योग के माध्यम से महिलाएं अपने जीवन में कैसे परिवर्तन ला सकती हैं, समाज में आगे कैसे बढ़ सकती हैं, इसके विषय में भी बताया गया। योग अभ्यास के अंतर्गत कई प्रकार के योग जैसे प्राणायाम, वज्रासन, त्रिकोणासन, भद्रासन, वृक्षासन, ताड़ासन, ग्रीवासन आदि सिखाए गए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती सविता भारद्वाज ने उपस्थित महिलाओं को प्रतिदिन योग करने के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि महिलाओं को स्वयं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं परिवार की धुरी हैं। बच्चों और परिवार का विकास उन पर निर्भर होता है। सबकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए खुद का ध्यान रखना भूल जाती हैं, जिस वजह से वह कई बीमारियों से ग्रसित हो जाती हैं। संस्था की तरफ से विजय कुमार, राजू राय, मोहम्मद अनीस, करम भारती ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के दौरान माधुरी देवी, दुर्गावती देवी, रेखा देवी, पूनम सिंह, पूजा उषा देवी, उर्मिला, धर्मा देवी, आकांक्षा श्रीवास्तव, पूजा कुमारी, श्रद्धा सिंह, सोनाक्षी, श्रुति सेठ, भूमि, दिव्या राय आदि उपस्थित रहे। देखें इस रिपोर्ट में। आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम ममता है, नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था से हूँ। आज यहाँ किस उद्देश्य आए हैं? आज यहाँ पे एसएफ पब्लिक स्कूल में, जो सुंदरपुर में स्थित है, यहाँ पे क्षेत्रीय महिलाओं को इकट्ठा करके हमारी संस्था की तरफ से योगा अभ्यास करवाया जा रहा है। जैसा कि सभी को पता है कि कल अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और ये 10वां है, तो इसका एक बहुत बड़ा महत्व ये भी है कि इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की जो हमारी थीम है स्वयं और समाज के लिए, तो हमारे माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि योगा जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो हम समाज के ही एक व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है, क्योंकि योगा के माध्यम से हम स्वयं को संतुलित रख सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक हर प्रकार से विकास होता है, तो कहीं ना कहीं ये हमको और समाज में एक सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है। तो हमारी संस्था के माध्यम से आज यहाँ पे महिलाओं को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में, जो वो बहुत व्यस्त हैं अपने परिवार के लिए लेकिन खुद के लिए कहीं भी अपना समय नहीं दे पाती हैं, तो उनको आज विभिन्न प्रकार की बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, जैसे बीपी हो गया, शुगर हो गया, वजन ज्यादा है, या उनकी सांस फूल रही है, उनको अगर हड्डियों की प्रॉब्लम है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के योगा बताए गए हैं, जिसको वो पर डे करती हैं अगर, तो उनका भी स्वास्थ्य अच्छा होगा, वो मानसिक रूप से भी संतुलित रहेंगे, अपने कार्यों में भी ध्यान दे पाएंगी, तो एक समाज में बेहतर स्थान प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हमारी संस्था लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, उनका आध्यात्मिक विकास भी करती है, आत्मिक और शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से विकास कर रही है, तो एक योगा बहुत बड़ा योगदान देगा उसमें। धन्यवाद। वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।